दोस्तों एक बात तो आप भी मानेंगे कि जब से साला इंटरनेट आया है तब से लोगों को हैरान करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें हजारों चीजें पहले से पता रहती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में लोगों के सामने क्या नया लेकर परोसा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तभी तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गिन कर कुछ ऐसी हैरतअंगेज चीजें लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग न घूमा तो कहिएगा। पुलिस कंपटीशन। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि एक पुलिस ऑफिसर बनने से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें फिजिकल एबिलिटी से लेकर मेंटल स्टेबिलिटी तक हर एक चीज का टेस्ट होता है। लेकिन जनाब बात केवल यहीं पर नहीं रुकती, क्योंकि चाइना में तो आपकी बाइक राइडिंग स्किल्स की भी परीक्षा ली जाती है। आप खुद ही देखिए कैसे चाइना के फ्यूचर पुलिस ऑफिसर्स गाड़ियों को ऐसे शानदार तरीके से चला रहे हैं जैसे ये लोग किसी हॉलीवुड मूवी के सीन को रिकॉर्ड कर रहे हो। टाइनी बोट। तो दोस्तों पेश है आपके सामने दुनिया की सबसे छोटी बोट, जिसे आप अपने घर पर भी चला सकते हैं। असल में दोस्तों ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टिकटॉक पर कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ था, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी पेड़ की पत्ती लेनी है और उसके ऊपर इंक डाल देना है, जिसके बाद आप जैसे ही इस इंक वाली पत्ती को पानी के अंदर डालेंगे वैसे ये नाव की तरह आगे बढ़ने लगेगी। वैसे ये कोई जादू वगैरह नहीं है, बल्कि जो लिक्विड हम डालते हैं उसकी डेंसिटी अलग होती है, इसी वजह से वो पानी में बहुत जल्दी फ्लो करने लगती है और हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। स्मोक बबल्स। अब कई सारे लोग कहेंगे कि ये नकली है, पर दोस्तों हम आपको बता दें ये शत प्रतिशत असली है और इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे अपने घर में बड़े आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नॉर्मल बबल की तरह ही आपको सोप, वाटर और एयर चाहिए। हाँ, बस जो एयर है उसके अंदर भी स्मोक होनी चाहिए, तब जाकर आप इतना बड़ा बबल क्रिएट कर पाएंगे। डेंजरस प्लेसेस। दोस्तों अब आप जो देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि फेमस क्विक सैंड है, जिसे हम आम भाषा में दलदल कहते हैं। बाहर से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी की तरह लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर कदम रखेंगे वैसे ही मिट्टी आपको हैरान परेशान करना शुरू कर देगी। अगर आसान भाषा में कहें तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिट्टी होती है इसमें अंदर गर्म भाप मौजूद होती है, इसलिए जैसे ही ऊपर से कोई भारी चीज दबाव डालती है तो ये मिट्टी उस भाप को ऊपर करते हुए उस भारी चीज को अपने अंदर लेना शुरू कर देती है और तब जाकर हमें इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। मल्टीपर्पज ड्रिंक। अब जरा आप इस टिकटॉक यूजर से मिलिए जो अपनी ज्वेलरी वीडियो से कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए थे। असल में अपने दोनों हाथों से ज्वेलरी नहीं बनाते हैं बल्कि स्पोर्ट्स ड्रिंक की मदद से पुरानी और खराब हो गई ज्वेलरीज को बिल्कुल चमचमाता हुआ नया कर देते हैं, जिसका नमूना आप साफ साफ देख सकते हैं। पर हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो क्रिएटर है ये असल में कोई एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि स्पेशल क्लीनिंग एजेंट का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता है और लोग लाखों की संख्या में बेवकूफ बनकर इसके वीडियोस भी बड़ा पसंद करते हैं। वैसे दोस्तों जब टिकटॉक की बात हो ही रही है तो क्या आपको पता है पिछले साल टिकटॉक को कब बंद किया गया था? अनयूजुअल मिनरल्स। दोस्तों जब आप बीच पर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपके पैरों के नीचे इस तरह के अनोखे मिनरल्स मौजूद हैं। असल में ये एरागोनाइट है जो ऐसे समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर ठंडा कैल्शियम सैचुरेटेड वाटर गर्म सरफेस वाटर से मिलता है और ये एल्गी वगैरह जैसे जैसे अलग ऑर्गेनिज्म से भी मिलकर बनता है। पर अफसोस इस तरह के मिनरल्स के बनने में कई साल लग जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो शख्स इस वीडियो में मिनरल्स को पकड़े हुए है उसने अपने हाथों में सैकड़ों साल पुरानी चीज पकड़ रखी है। निंजा वेटर्स। अब दोस्तों ये भी बात है कि इस लॉकडाउन के टाइम पर आप लोगों ने काफी लंबे समय से वर्किंग प्रोफेशनल्स को काम करते हुए नहीं देखा होगा। अगर ऐसा है तब तो आपको इस शानदार फीमेल वेटर्स को जरूर देखना चाहिए जो रेस्टोरेंट में लोगों के आने से पहले इतने बेहतरीन तरीके से टेबल सेट कर रही है कि देखकर ही मजा आ जाए। लेजर एंग्रेविंग। अब आप एक और ऐसा वीडियो देखिए जिसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा। असल में दोस्तों जो इमेज आप वीडियो में देख रहे हैं इसे लेजर बीम की मदद से बनाकर तैयार किया जा रहा है, जहां ये मटेरियल के टॉप लेयर को रिमूव करके उसके कलर और टेक्सचर को चेंज कर देता है, जिसके बाद हमारे सामने ये शानदार चीज बनकर तैयार हो जाती है। स्वीट मास्टरपीस।
दोस्तों आपने कॉटन कैंडी तो जरूर खाई होगी, जिसे आम भाषा में लोग बुढ़िया के बाल कहते हैं, जहाँ इसके बनने का प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर तो इन जनाब ने बिल्कुल कमाल कर दिया और कॉटन कैंडी से एक अलग ही मास्टरपीस तैयार करके दिखा दिया। एवरीडे आर्ट। दोस्तों जब बात कलाकारी करने की आती है तो आपका कलाकार होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस चीजों को करने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसका जीता जागता नमूना आप इस रोड पेंटर के रूप में देख सकते हैं, जो अपनी डेली एक्टिविटी को इतने बेहतरीन तरीके से करता है कि इसके द्वारा किया गया काम किसी आर्टिस्टिक पीस से कम नहीं लगता। बिल्डिंग ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी हर एक फील्ड में अपने पैर पसार रही है, तो भला कंस्ट्रक्शन फील्ड कैसे पीछे रह सकता है, जिसका जीता जागता सबूत आप 3D प्रिंटर से तैयार की जाने वाली दीवार के रूप में देख सकते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाता है बल्कि टाइम भी बहुत कम लगता है। उसके साथ ये काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और हमें पूरा विश्वास है आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर के सभी घर इसी तरह की टेक्नोलॉजी से बनाए जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोस्तों इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो लगता है क्वारंटीन में कुछ ज्यादा ही बोर हो गया है, तभी तो उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए इस नायाब एक्सपेरिमेंट को तैयार कर दिया। स्ट्रिंग आर्ट। आज हम आपको इतना कुछ हैरतअंगेज दिखा रहे, तो भला धागे से बनी इस आर्ट पीस को दिखाना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि कला तो हर तरह से अच्छी होती है, लेकिन जब बात रंग बिरंगे धागों की मदद से कोई चीज बनाने की आती है तो उसे न सिर्फ बनाने वाले को मजा आता है बल्कि इसे बनता देखने में भी अलग ही एडवेंचर है। आप खुद ही देखिए कैसे एक कलाकार सिल्क के धागे को इतना परफेक्ट तरीके से सेट कर रहा है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आपको बता दें एशियन कंट्रीज में इस तरह की स्ट्रिंग आर्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसकी वजह से कई सारी अलग अलग चीजें बनकर तैयार हो सकती हैं। टेक्सचराइज्ड लॉन। दोस्तों अब भला कौन नहीं चाहता कि उसके आसपास की जगह साफ सुथरी और अट्रैक्टिव रहे, लेकिन कुछ लोग केवल इन चीजों की चाहत रखते हैं और कुछ वाकई में अपनी कारस्तानी दिखाकर घास से भरी जगह को किसी कैनवस की तरह सजा कर रख देते हैं। बाइक इन द श्रेडर। अब इस वीडियो को देखने वाले के मन में दो अलग अलग इमोशंस एक साथ चल रहे होंगे। एक तरफ तो वो किसी साइकिल का एक ही झटके में चकनाचूर होने वाला ये अनोखा लम्हा देखकर हैरान हो रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इंसान को ये भी चिंता हो रही होगी कि इस साइकिल को तोड़ने की क्या जरूरत थी, हमें ही दे देते, हमें चलाकर खुश हो जाते। क्यों दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना। सॉललेस स्कल्पचर। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक मूर्तिकारों को देखा होगा जो कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बनाकर तैयार कर देते हैं कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाए, पर दोस्तों जमाना काफी एडवांस हो गया है, यहाँ पर मॉडर्न स्कल्पचर्स बनाने के लिए स्कल्पचर्स ही नहीं बल्कि रोबोट की जरूरत पड़ती है, जो इतने खूबसूरत तरीके से मार्बल के स्कल्पचर बनाकर तैयार कर देते हैं कि इन्हें देखकर कोई भी शख्स हैरान हो जाए, और ये सब कुछ न्यूरो नेटवर्क की मदद से मुमकिन हो पाता है। सी गूजबेरी। दोस्तों अब आप जिस हैरत अंगेज क्रिएचर को देखने जा रहे हैं ये कुछ और नहीं बल्कि कॉम जेली है, जो दिखने में एक अनयूजुअल जेलीफिश की तरह दिखाई देती है, लेकिन जब आप इन्हें समुद्र की गहराई में देखने जाएंगे तो ये ट्रांसलेसेंट क्रिएचर इंद्रधनुष की तरह ग्लो करना शुरू कर देते हैं। पर इनकी अकेली खासियत नहीं है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने क्रिएचर्स में से एक, और इनका ब्रेन स्ट्रक्चर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रेड सीक्रेट्स। दोस्तों ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि एशियन क्यूजीन शैशमे कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है, तभी तो व्हाइट शैशमे के पेस्ट को ट्रेडिशनल स्वीट डिश बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, लेकिन जब बात प्रोडक्शन की आती है तो ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर इंसान का पेट भर जाए। आर्कटिक टाइम लैप्स। हाँ हाँ दोस्तों हमें पता है आपको टाइम लैप्स वाली वीडियोस काफी पसंद आती है, जिसमें एक ही वीडियो में चीजों को लंबे समय तक बदलते हुए देखने का मौका मिलता है, और इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा टाइम लैप्स लेकर आए हैं जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों यहाँ आप 2 से 3 महीने आर्कटिक रीजन में चलने वाली नाव की वीडियो देख रहे हैं, जहाँ 5 मिनट के अंदर ही आपको मौसम के बदलते मिजाज को देखने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।